चीज या तो वेज कुछ भी नहीं है तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज संडे है और आज उर्वी का बर्थडे भी है। अभी बारिश भी अभी रिमझिम स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे मैंने बनाए हैं पोहे और इसके ऊपर डालेंगे नारियल जो कि उर्वी को बहुत पसंद है। तो एक्चुअली पोहे में खट्टे मीठे बनाती हूँ। तो ये रही बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे बेबी। और बारिश शुरू हो गई है। आज ये बारिश का ही मौसम दिख रहा है मुझे। तो आज वैसे तो कोई अभी तक बर्थडे प्लान नहीं किया है मैंने उर्वी के लिए, तो करेंगे। आज संडे है तो आराम से बर्थडे प्लान भी करेंगे। कुछ केक वगैरह तो कट करना ही पड़ेगा उन लोग, वरना नाराज़ हो जाएगी बेटी मेरी। एक्चुअली उर्वी ने ही बोला था मामा छोटा सा बर्थडे करो, कोई बड़ा वगैरह बर्थडे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं क्या होता है उर्वी का बर्थडे प्लान। मैंने तो कुछ नहीं किया है, ना उसके पापा ने कुछ सोचा है। उसके पापा तो बड़े बिजी मैन हैं भाई। मौसम अच्छा हो रखा है लेकिन वो अच्छा। उर्वी की कोई शर्त है? कौन सी शर्त है भाई? मेरी शर्त है कि जो 15 बर्थडे आएगा वो बड़ा होगा सिर्फ, इसलिए मैं ये नॉर्मल कर रही हूँ 14th बर्थडे अपना, वरना मुझे इंटरेस्ट नहीं छोटा। तो ये 14th बर्थडे है उर्वी का, तो इसलिए हम छोटा कर रहे हैं। एक शर्त है उसकी कि 15 बर्थडे बड़ा करना है उसको, कोई रिजॉर्ट में वगैरह। ठीक है बच्चा, इसका ना आप हर एक ब्लॉग में देखोगे, इसका हर एक बर्थडे मैंने बड़ा किया है। ठीक है, सिर्फ इस साल हमारा कोई प्लानिंग नहीं, इस साल मैंने नहीं बोला क्योंकि अगले साल इसको बड़ा करना है। अब बड़ी हो गई ना बेटा, बड़ी हो गई अब तू। तो हो गए है रेडी। तभी उर्वी का हम अभी मैं ओवाल रही हूँ, ऑक्शन कर रही हूँ उर्वी का। केक वगैरह हम बाद में कट कर लेंगे, पहले ऑक्शन कर लेती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Urvi. Happy birthday to you. May God bless you. ऑक्शन हो गया है उर्वी जी का, ऑक्शन हो गया है, फोटो सेशन भी हो गया है। ऐसे वाली अच्छी लग रही है, कुछ नया मैंने कुछ देखकर नहीं किया। मैंने जस्ट सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ उसके बालों पे, तो ऐसे हेयर स्टाइल की है। तो चलिए, अभी उर्वी के लिए हमने ड्रेस तो नहीं लिया था, तो अभी ड्रेस, नया ड्रेस तो बनता है बच्चे के लिए। तो उर्वी कहाँ जाना है? पता नहीं। तो देखिए, आई है अभी उर्वी के लिए एक सरप्राइज है जो उसके पापा देंगे। अगेन पुणे कैंप। चलो उर्वी के लिए सरप्राइज है, अभी क्या करेंगे देखेंगे उर्वी के लिए। ओके, एक सरप्राइज है उर्वी के लिए। तो
कुरकुरे दो चूस किए हैं। तो फास्ट ट्रैक का लिया है बैग भी कितना अच्छा हैप्पी बर्थडे पूर्वी के लिए और एक दूसरा सरप्राइज ऊपर ले। तो यहाँ से लिया है और विजी का चला अरे बहुत अच्छे वॉचेस थे माय गॉड वो स्पोर्ट वॉच थे उतने अच्छे अच्छे थे ना मुझे भी लेना था लेकिन ठीक है बाद में से ले लूँगी मैं। हेलो पापा यार कितने क्यूट है ये कितने क्यूट है ये देख रहा हूँ अरे ऊपर वाले ये एक्चुअली लोवर से जो हमने पाला था इनको ये ऊपर है ये कितनी 3000 वाला जोड़ी है का ये अफ्रीकन लोवर जोड़ी है ना लेकिन आणि लाईफ किती असते यांची हो आणि यांची लाईफ किती असते वाव क्यूटी आफ्रिकन लवर से अरे वो नहीं देने वो वही है ना बड़ी हाँ वैसे ही होएंगे वो ये वैसे ही होएंगे बेटा हाँ 8000 हेलो हेलो बेटा हेलो हेलो ओले बाबा और ये यहाँ पे ये वाव चिड़िया है चिड़िया नहीं नहीं तो बर्ड्स थे ना माय गॉड बहुत खूबसूरत है बर्ड्स वो 3000 का पेयर था लेकिन वो पिंजरे में बंद मुझे अच्छा नहीं लगता है और उर्वी को बहुत डर लगता है बर्ड्स से भाग जाती है उर्वी चलिए दूसरा सरप्राइज डाड़ा एंड हे भगवान पूर्वी का शॉपिंग भी हो गया और उसे एड्रेस भी चेंज कर दिया क्यूडोज एमजी रोड पे है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एड्रेस दे दूंगी आपको हाँ वो जो बंदा चूज कर रहा था उर्वी के लिए ड्रेस वो एक भी अच्छा नहीं लग रहा था और जो मैंने चूज किया वो अच्छा लग रहा है उर्वी को ये देखिए कैसे जा रहे हैं बाप बेटी उर्वी के लिए केक भी नहीं लिया हमने भाई आज उर्वी का डे है तो उर्वी के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम क्योंकि इसका बर्थडे घर पे नहीं मनाया अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा अरे ये शर्ट्स बहुत अच्छा है ऐसे वाले एकदम टॉम बॉय लुक आता है उर्वी के ड्रेसेस ना हमेशा क्यूडोज में से होता है क्यूडोज से ही हम बचपन से लेते हैं तो यही पे है एमजी रोड पे यही पे है कहाँ बंद हुआ क्या हाँ ये देखिए अभी बंद हो गया ये देखिए क्यूडोज यहाँ पे बंद हो रहा है अब जाते हैं डिनर करने के लिए उर्वी खुश तो मेरी बेटी ना टॉम बॉय ही है लड़कियों के कपड़े उसको बिल्कुल सूट नहीं करते लड़कों वाले कपड़े अच्छे लगते हैं मेरी बेटी को और वो अच्छी भी लगती है तो चलिए अभी डिनर के लिए कुछ सोचा नहीं है लेकिन जाते हैं उर्वी की पसंद के उर्वी के पसंद का डिश खाने तो अभी हम आए हैं डिनर करने के लिए हाँ। उर्वी का स्पेशल उर्वी ने सर्च करके ढूंढ के निकाला है एकदम खतरनाक आपको दिखा दियो हम कहाँ है
चलो। तो हम आए हैं MOF मीन्स मैड ओवर फिश जो है बिबरेवाड़ी में। चलिए तो ये आपका टैरिफ तो मैंने मंगाया है फर्स्ट टाइम सुरमई थाली और उर्वी ने मंगाया है प्रॉन्स थाली। यहाँ पे देखो यहाँ पे ताज़ा ताज़ा बना के दे रहे हैं और यहाँ पे वेज बिल्कुल नहीं है। सो गाइस यहाँ पे वेज कुछ भी नहीं है तो मेरे हस्बैंड का इतना प्रॉब्लम हो गया ना उनके लिए फिर दाल तड़का बाहर से मंगाया है और चपाती। वेज वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ओपन किचन है इनका पापा। तो ऑर्डर के बाद यहाँ पे गर्मा गर्म बना के देते हैं। यहाँ पे केले के पत्ते पे सर्व करता है। ये है सोल कड़ी, ये प्रॉन्स करी, ये प्रॉन्स मसाला सैलेड सुरमई का। वाव तो ये सुरमई का बहुत बड़ा पीस है और यहाँ पे प्रॉन्स और ये है गर्म गर्म चावल की रोटी। तो शायद इतना ही है इस थाले में। ये है फिश लवर दोनों आज फिश खाने आए हैं। कभी कभी इनको फिश पसंद आती है। टेस्ट अच्छा है। मेरे हस्बैंड खा रहे हैं दाल तड़का सूखी चटनी और रोटी और हम ये खा रहे हैं। चावल भी आए हैं गर्मा गर्म। ओपन किचन है ये। यहाँ पे 11 बजे बंद हो जाता है। एक तो वो कितने 11 दूसरे भी 10 बजे खुला जाता है। 10 से 3 तक चलता है दोपहर में और 7 से लेके 11 तक चलता है। 6 से लेके 11 तक ऐसे कुछ। चलिए घर जाते हैं। ताकि टेस्ट बहुत अच्छा था। यहाँ पे और भीड़ आ रही थी पता है लेकिन उन्होंने फिर बंद कर दिया। कैसे लगा उरु टेस्ट? खुश हो गई? तेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया हमने बिना केक के। अभी केक लेंगे हम। तो देखिए बिबरेवाड़ी में है ये। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगी यानी एड्रेस भी दे दूंगी। तो गूगल मैप पे आप डाल सकते हो MOF यानी मैड ओवर फिश। और इसका एक ब्रांच है जो पिंपरी में है और ये है बिबरेवाड़ी में ब्रांच। कितने लोग आ रहे थे अभी उन्होंने बंद कर दिया। इतने यानी बहुत लोग आ रहे थे और ये छोटा सा है इनमें जगह भी नहीं है बैठने के लिए यानी अनलिमिटेड लोग बैठ सकते हैं इस जगह पे इस रेस्टोरेंट में। तो चलिए अब चलते हैं क्योंकि उर्वी के लिए अभी केक भी लेना है मुझे। बस वो सामने ऐसे गरम गरम बना रहे थे और सर्व कर रहे थे सबको। 11 बज के गए हैं। उर्वी का केक भी लेते हैं। चलो कोई केक शॉप अगर खुला होगा तो केक लेंगे और घर पे जाके कट कर लेंगे। तो वेज वालों के लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पे फिश मिलेगी और चिकन भी नहीं है ऑप्शन। चिकन भी अगर आपने ऑर्डर दिया तो एक दिन पहले वो ऑर्डर दिया तो बना के रखेंगे ऐसे बोला उन्होंने। और वहाँ पे सिर्फ फिश थाली है। फिश लवर ही वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो। बाकी टेस्ट वगैरह मैं ज़्यादा फिश लवर नहीं हूँ। मेरी बेटी है इसलिए हम गए थे इसकी मर्जी से फिश थाली खाने। केक वगैरह लेते अगर खुला होगा तो। अभी वहाँ पे है ना पान प्रतिष्ठान
वहाँ से मैंने इनको गुलकंद पान लेने के लिए बोला है। यही बीबी वाड़ी में गंगा धाम के आगे सब मुंह में भर भर के आ रहे पानी से। हाँ गुलकंद वाला कौन सा है? दोनों अच्छा गिर जाएगा नहीं तो हाथ इधर पहुंचो। उर्वी और उर्वी के पापा गए हैं वो वहाँ पे केक लाने क्योंकि बीके से ना तो एक्चुअली क्या है ना 12:15 हो रहे हैं रात के तो बस यहाँ पे दिखा केक का शॉप। एक्चुअली गलती हो गई सुबह में या फिर दोपहर में ला लेना चाहिए था केक। मैंने भी नहीं लाया उन्होंने भी नहीं लाया तो अभी ले रहे हैं। बाकी आज का दिन अच्छा गया एंजॉय किया उर्वी ने मैं बोल तो। ही लीजिए केक लेकर आ गए बाप बेटी। मुझे लगा यहाँ पे वैरायटीज मिलेगी खत्म होंगे तो सारे ब्लैक फॉरेस्ट ही लाए तो कॉटन कैंडी चीज केक लिया है तो इनको सिर्फ ब्लैक फॉरेस्ट ही मिला था तो अच्छा नहीं लगा था इसलिए फिर और एमजी रोड पे एक केक का शॉप दिखा खुला अभी 12 बज के गए वो भी बंद कर रहे थे उनको खुलवाया और एक अच्छा एक फ्लेवर लिया है केक का आपको घर जाके बताएंगे बहुत अच्छा मिला है केक। हाँ आ गए हैं घर पे उसकी दीदी की शॉपिंग तो इसको करेंगे अनबॉक्सिंग और केक कट करेंगे। देखिए उर्वी जी के दो केक कॉटन कैंडी चीज केक। केक कटिंग करना बाकी है बहुत नींद आ रही है बहुत लेकिन चलो थोड़ा टाइम लगेगा पर मेरे भी बर्थडे के टाइम ऐसे ही हो गया सब करने के बाद लास्ट में केक कटिंग हो गई उर्वी के बर्थडे के टाइम भी ऐसे ही हो गया सब घूम फिर के शॉपिंग करके एंजॉय करके फिर लास्ट में केक कटिंग हो रही है पता नहीं पूरा टाइम डिस्टर्ब हो गया टाइम टेबल हमारा। और चीज़ केक को क्या है ना मेल्ट हो जाता है वो जल्दी से तो मैंने अभी फ्रिज के अंदर रख दिया है। उर्वी के पापा सिम्बो को घुमाने के लिए चले गए मन कर रहे सो जाओ और भी जाने दे कि कल कटिंग कर लेंगे थोड़ी देर के लिए जाने दो ऐसे बोलते हैं कर लेंगे सिम्बा भी रहेगा वैसे सिम्बा मुंह ना लगा ले इसको वैसे सिम्बा को भी केक खिलाते हैं हम लेकिन बहुत थोड़ा खिलाते हैं। आ गया सिम्बू आ गया सिट अरे अरे मुंह डालेगा नहीं तो ये पागल ऐसे ही करेगा तो वही खा लेगा। हाँ बस सिट बेटा हैप्पी बर्थडे करना है ना उर्वी दीदी का। सिम्बू तुझे पता है क्या क्यों बांधा है? हाँ हाँ इसी को देख रहा है ना इसलिए बांधा है बेटा इसके ऊपर नजर है पूरी केक के ऊपर नजर है सिम्बू की मेरी। अगर उसको छोड़ दिया ना पूरा मुंह डाल देगा इसके अंदर इसलिए बांधा है समझ रहा। फुल ऑब्जर्वेशन है फुल ऑब्जर्वेशन। अरे क्या क्या कर रहे है भाई तेरा बर्थडे नहीं है तेरा हो चुका है उर्वी दीदी का है बर्थडे देख कैसे देख रहा है हाँ ये चीज केक ना मेल्ट होता है ये देखिए ये साइड से आ रहा है तो इसलिए इसको फ्रिज में रखना पड़ता है। अच्छा
चलो केक कटिंग करो यार जल्दी से, इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा फिर। सिंगारी देखो नींद में करने के बाद ऐसे होता है। हैप्पी बर्थडे उर्वी, अब इसको खिलाते बर्थडे भले ही किसका। अभी देखो मम्मा उसकी माँ उसको बच्चे खिला रही है सिम्बा को। ऐसे किया हमने सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे उर्वी, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू बेबी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। टिल देन मेरे बच्ची को विश करना और ब्लेसिंग्स देना। गुड नाइट।